गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने व्यवहारवाद के विषय में पढ़ा कि व्यवहारवाद क्या है। हमने देखा कि किस प्रकार व्यवहारवाद जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध स्वरूप जनित या अस्तित्व में आया एक आंदोलन था, जिसने कहीं ना कहीं मूल्यों से अधिक तथ्यों पर बल दिया और वैज्ञानिक जो प्रविधियाँ हैं उनमें अपना विश्वास जताया और साथ ही जो मानव व्यवहार था उसे अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। अब हम देखेंगे कि आखिरकार व्यवहारवादी जो उपागम था उसका विकास किस किस प्रकार हुआ और आखिरकार वे कौन कौन से कारण थे जिन्होंने व्यवहारवाद के उद्भव में या उत्पत्ति में अपना योगदान दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जो व्यवहारवादी अवधारणा है उसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हुआ। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसी का एक भाग है व्यवहारवाद, या ये कहें कि जो व्यवहारवाद है उसी से आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत भी होती है। तो ऐसे में जो व्यवहारवाद है उसकी उत्पत्ति में दो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो थे वो उत्पत्ति में सहायक रहे, उनमें पहला द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति जो शास्त्री थे उनके कुछ यथार्थवादी अनुभव। बेसिकली ये दो चीज़ें थी जिन्होंने कहीं ना कहीं परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति एक प्रकार से आक्रोश पैदा किया और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की अपूर्णताएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं रिप्लेस या पूर्ण किया जाना चाहिए, या ऐसा कोई आंदोलन अस्तित्व में आना चाहिए जिससे जो राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी अपूर्णताओं से निपटा जा सके। तो जो व्यवहारवाद है बेसिकली ये उन समाजशास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे, यानी कि इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है बेसिकली उसे अनुभववाद कहा जाता है। तो ये जो अनुभववाद की धारणाएं थी ये समाजशास्त्र में और राजनीति शास्त्र में उस दौरान काफ़ी पॉपुलर थी, और ये कह सकते हैं कि जो द्वितीय महायुद्ध के दौरान जो अधिकारी थे या राजनीति शास्त्री या समाजशास्त्री थे उन्होंने अनेक ऐसे पदों पर काम किया जिनसे उन्हें काफ़ी यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए, और ये जो अनुभववाद है ये उन्हीं की देन माना जाता है। वैसे यदि आप देखें तो व्यवहारवाद की जो शुरुआत मानी जाती है वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत से मानी जाती है, और इस मामले में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो कि ग्राहम वालस द्वारा लिखित एक पुस्तक थी और बेंटले ने एक किताब लिखी थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो इस संदर्भ में ये दो किताबें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1908 में जो ग्राहम वालस की पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, बेसिकली ये एक मनोविज्ञानी थे और मनोविज्ञान से जुड़ी पुस्तक थी, और साथ ही थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो कि एफ बेंटले की पुस्तक थी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान में जैसे इस व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात कर दिया, और दोनों ही विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न संस्थाएं थी के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया। वॉलस कहते थे कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं होना चाहिए, यानी कि संस्थाओं के संदर्भ में न होकर मानव व्यवहार के संदर्भ में किया जाना चाहिए। और वहीं जो बेंटले हैं उन्होंने कहा कि राजनीति के अध्ययन में जो विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं कि शासन के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या वो समर्थन करते हैं, क्या वो विरोध करते हैं, इन सबको स्थान दिया जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है उसमें इन दो किताबों का, यानी कि ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स एंड द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का काफ़ी प्रमुख स्थान रहा है। साथ ही व्यवहारवाद के विकास में 1925 में जो चार्ल्स मैरियम की पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स का विशेष महत्व है, और कहीं ना कहीं व्यवहारवाद का जो जनक है वो मैरियम को ही माना जाता है। और मैरियम की जो पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये अपने आप में ही काफ़ी क्रांतिकारी पुस्तक थी। मैरियम ने राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया, या हम ये कह सकते हैं कि मैरियम जो थे वो अंत अनुशासनात्मक अध्ययन
के पक्षधर थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों का केंद्र बनाया और व्यवहारवादी उपागम का विकास किया। यही कारण है जो जो शिकागो विश्वविद्यालय है उसे व्यवहारवाद के जनक के केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। धीरे धीरे उनके सहयोगियों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई और उनका जो मत था उसे शिकागो संप्रदाय कहा गया और बाद में जिसे व्यवहारवाद नाम दे दिया गया। जो चार्ल्स मैरियम थे उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनमें जो फॉलोअर्स थे उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र या विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान थे चाहे वो अर्थशास्त्र रहा हो चाहे वो मनोविज्ञान रहा हो समाजशास्त्र रहा हो इन सब के निकट लाने का हर संभव प्रयत्न किया। कुल मिलाकर सबने अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया। राजनीतिक तथ्यों के मापन विधि को लागू करने के प्रति रुचि द्वितीय विश्व युद्ध का जो पूर्ववर्ती काल था वैसे तो उसी में देखने को मिलती है लेकिन उसके बाद भी इन चीज़ों का जो चलन था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया और इसमें काफ़ी विचारकों ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा कई यथार्थवादी या जो शक्तिवादी विचारकों के रूप में हम जिनका अध्ययन करते हैं जैसे साइमन है उनकी पुस्तक जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या फिर जो लास्टविल और कैपलन है जिनको हम शक्तिवादी जो विचारक हैं वो मानते हैं उनकी पावर एंड सोसाइटी देन कैटलिन की स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ये कुछ किताबें ऐसी थी। एंड इवन इसमें भी अगर आप देखें तो डेविड ईस्टन का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा कि डेविड ईस्टन की जो पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम। तो कुल मिलाकर ये वो किताबें थीं या ये वो विचारक थे जिन्होंने व्यवहारवादी क्रांति में अपना योगदान दिया चाहे वो साइमन रहे हों चाहे कैटलिन रहे हों चाहे लास्टविल कैपलान या ईस्टन रहे हों इन्होंने अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी जो क्रांति थी उसमें अपना अपना योगदान दिया। शिकागो विश्वविद्यालय जो कि पूर्व में वैसे ही व्यवहारवाद के एक गढ़ के रूप में जाना जाता था और शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रमुखतया तीन विद्वान थे जिनमें पीवी स्मिथ चार्ल्स मैरियम और लास्टवेल इनको व्यवहारवादी उपागम का संस्थापक या जनक कहा जाता है और इनके बाद मैरियम और लार्वेल के जो बात थे जैसे डेविड ईस्टन ऑमंड हॉलमैन डायच और शिल्स आदि ने इस व्यवहारवादी अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपागम का जो विकास हुआ है वो जो है अमेरिका का जो शिकागो विश्वविद्यालय है उसकी देन है और इसी के साथ मतलब जो विभिन्न विचारक हैं वो इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम व्यवहारवाद के उदय के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण थे जो उत्तरदायी रहे के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि आखिरकार परंपरागत जो दृष्टिकोण था या जो इसकी कौन सी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से व्यवहारवादी जो क्रांति है या जो व्यवहारवादी आंदोलन है वो अस्तित्व में आया और साथ ही व्यवहारवाद किन आधारभूत मान्यताओं को लेकर चलता है इसका अध्ययन हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।